नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना एंड सरकारी नौकरी पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे अटल पेंशन योजना खाते के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर आए हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फ्रेंड्स आपका जरूर एक अटल पेंशन खाता होगा। आपका नहीं होगा तो आपके फैमिली का किसी का भी एक अटल पेंशन खाता होगा जिसे आप बंद करना चाह रहे हो, या फिर बंद करने की जो प्रोसेस होती है उसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज हम इस वीडियो पर आप लोगों को पूरा डिटेल बताएंगे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्या स्टेप करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, आज इस वीडियो पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो अटल पेंशन योजना खाते हैं उसको बंद कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो स्टेप होती है, दो परिस्थितियाँ होती है, जब आप अपनी स्वेच्छा से इस योजना को बंद करना चाह रहे हो या फिर कोई कारणवश बंद करना चाह रहे हो। कारणवश में जैसे कि गंभीर बीमारी या फिर खाताधारी की मृत्यु हो जाने पर। सो फ्रेंड्स, इन दोनों परिस्थितियों में इस खाते को बंद किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि जो सामान्य परिस्थिति है उस पर इस अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सिंपली बैंक जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बैंक जाने के बाद वहां पर आपको एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेना पड़ेगा। वहां उस फॉर्म को पूरा सबमिट कर लीजिए और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसको वहां पर पूरा फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अकाउंट क्लोजर जो फॉर्म होती है उसे कैसे भरें, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। उस पर पूरा डिटेल बताएंगे कि उस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, कैसे भरेंगे और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, पूरा फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स जो जो आवश्यकता उसके उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद उस फॉर्म को बैंक पर जमा कर दीजिए। बैंक पर फॉर्म को जमा करने के बाद आपका काम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद बैंक आगे की प्रोसेस करेगी। तो फ्रेंड्स, बैंक क्या क्या प्रोसेस करती है उसे जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला बैंक देखते हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो कितना कटा है और सरकार द्वारा कितना आपके खाते में कंट्रीब्यूट किया है। तो फ्रेंड्स, दोनों को अलग कर दिया जाता है और आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहता है टोटल, उस पर जो ब्याज रहती है वो आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि जो अटल पेंशन योजना के खाते में जो ब्याज मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट और आपका जो सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट, दोनों को प्लस करके आपके खाते, आपके सेविंग खाते पर डाल दिया जाएगा, आपके बचत खाते पर उसे डाल दिया जाएगा। इस पर फ्रेंड्स, बैंक आपके अटल पेंशन योजना खाते के मेंटेनेंस के लिए थोड़ी बहुत चार्जेस भी लेती है। तो फ्रेंड्स, उसको काटने के बाद जो बचत राशि रहेगी वो आपके सेविंग अकाउंट पर सेंड कर दिया जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट पर पुनः भेज दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सामान्य स्थिति में इस प्रकार से बंद किया जा सकता है। और दूसरी परिस्थिति है खाताधारी की मृत्यु हो जाने पर या फिर कोई गंभीर बीमारी होने पर। तो फ्रेंड्स, खाताधारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका अकाउंट को उसका नॉमिनी क्लोज करवा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसको बंद करने के लिए सिंपली जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी नॉमिनी को या फिर उसके वैध उत्तराधिकारी को बैंक पर जाना होगा, उस व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर, और उसे वहां पर जमा करना होगा। उसके बाद बैंक पूरा प्रोसेस करके अटल पेंशन योजना खाते को क्लोज कर देगी और इस पर जितनी भी आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहता है और सरकार का कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहता है, दोनों अमाउंट को और जो ब्याज रहती है उसको आपके खाते पर भेज दिया जाएगा, आपके उस व्यक्ति के नॉमिनी के खाते पर भेज दिया जाएगा उस या फिर उसके वैध उत्तराधिकारी के खाते पर भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर जो ब्याज दी जाएगी वो अटल पेंशन योजना के खाते के हिसाब से दी जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर स्वेच्छा से नहीं, खाताधारी की मृत्यु होने के कारण इस खाते को बंद करे हो। सो फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा है गंभीर बीमारी की परिस्थिति में। गंभीर बीमारी की परिस्थिति में भी सेम कंडीशन रहती है, बस आपको इसके लिए साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति के नाम से अटल पेंशन योजना खाता चल रही है उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए अत्यधिक पैसे की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप जिस भी हॉस्पिटल पर गए हो वहां से आपको उस डॉक्टर के पास से सर्टिफिकेट लाना होगा उस बीमारी का, और उसके बाद आप इस खाते को बंद करवा के जो पूरी अमाउंट रहती है उसको वापस निकाल सकते हो, अपने बचत खाते पर उसको भेज दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस पर भी सेम कंडीशन रहेगा कि जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है और सरकार द्वारा कंट्रीब्यूट अमाउंट है, दोनों की ब्याज तथा दोनों का मूलधन पूरा आपको दिया जाएगा। इस पर भी जो ब्याज दिया जाएगा वो अटल पेंशन योजना के खाते के हिसाब से दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अटल पेंशन योजना खाते को बंद कर सकते हो। सिंपल सा स्टेप रहता है, आप बैंक पर जाकर आसानी से इस खाते को बंद कर सकते हो।